बच्चों ये देखें, आपने मोमेंटम का चेंज निकालना है और ये मोमेंटम का जो चेंज निकालना है ये बी के लिए निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे चेंज? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, बॉडी बी, ये बॉडी बी की फाइनल स्टेट है, ठीक है, टकराने के बाद ये फाइनल है, ये बॉडी बी की इनिशियल स्टेट है। फाइनल मोमेंटम बना एम टू वी टू माइनस, चेंज निकालने के लिए हमेशा फाइनल को इनिशियल में से माइनस करते हैं। इनिशियल स्टेट क्या बनेगी? मोमेंटम निकालना है एम टू यू टू। एम टू यू टू क्यों? क्योंकि मोमेंटम में मास वेलोसिटी आती है, ठीक है। ये माइनस ये आ गया और ये ब्रैकेट आ गया। अब हमने ए के लिए काम करना है, शाबाश, ए के लिए काम करना है जनाब। ये आ गई बॉडी ए जिसका मास है एम वन, इसकी वेलोसिटी है यू वन। ये वही बॉडी ए है, इसका मास है एम वन और ये है वी टू। ये है इसकी इनिशियल स्टेट और ये है इसकी फाइनल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, जल्दी से चैट में बता दें, इसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू के हिसाब से क्या बनेगा? वैल्यूज आपके सामने सारी है, जल्दी से, मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फॉर बॉडी ए, शाबाश, आपकी जरा सी ट्राई आपको आगे निकाल देगी। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जल्दी से। अशर ने जवाब दिया और अशर का जवाब दुरुस्त है। लाइबा ने जवाब दिया, लाइबा का जवाब दुरुस्त है, वेरी गुड। दो बच्चों का रिप्लाई आ गया, इसका अलग बाकी बच्चे कोशिश करें तो दे सकते हैं। दो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, अशर और लाइबा दोनों ने सही जवाब दिया है और बाकी जो क्लास तक सारे बच्चे बैठे हैं, शाबाश। बिलाल जवाब सही नहीं है, बाकी बच्चे जल्दी से कोशिश करें, देखें, अच्छी बात है, जवाब अगर दुरुस्त हुआ आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस का बूस्ट। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास का टाइम कम देख रहा हूँ इसलिए मैं फटाफट अपनी बात पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। जी जनाब, सबसे पहले आएगा बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम, फाइनल, फाइनल यहाँ से निकलेगा, देखें, एम वन वी टू, एम वन वी टू। अच्छा, ये वी वन लिखना था, सॉरी 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 सॉरी, मुझसे भी गलती हुई लेकिन बच्चों ने भी कुछ सही जवाब दिया। एम वन वी वन माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी है, क्या बनेगा? एम वन यू वन। चले आप ओके करें ताकि हम लेक्चर को एंड करें, ओके करें जल्दी से, ओके ओके ओके। सर आपको मैसेज नहीं जा पा रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, नेट को कोई इशू, कोई मसला नहीं है सर? हाँ, मैसेज नहीं आ रहा। मैसेज नहीं जा रहा, अब तक सबके माइक मैंने ऑन रखे हैं, आप माइक के थ्रू पढ़ के भी बता सकते हैं, जैसे आपके मोमेंटम लिखना है आप पढ़ के माइक खोल के पढ़ के बता दें जल्दी से कि m1 v1 minus इस तरह। अच्छा, अब तो मैंने लिख दिया, अब लेक्चर को एंड की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है, ओके ना। अब बच्चों की रिप्लाई मुझे ओके के तो नजर आ गया भाई, जल्दी ये माइनस के साइन अंदर इंटर कर दें तो ये बनेगा एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू एज इट इज। ये माइनस अंदर गया, माइनस प्लस माइनस एम वन वी वन, माइनस माइनस प्लस एम वन यू वन। ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन जो है वो यहाँ पे आ गया टकराने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। जब ये माइनस का साइन यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जितनी भी वैल्यू माइनस पर अगर आ गई बस उनको प्लस कर दें, आपका आर्टिकल प्रूव हो जाएगा। जैसे ये माइनस का हिस्सा उधर जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा, देखते हैं। एम टू वी टू, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया एम वन वी वन, ठीक है। ये लिखा हुआ है एम वन यू वन, ये वाला, ये माइनस का वहां जाके, ये वाला वहां जाके क्या हो गया, प्लस का एम टू यू टू। अब इस पूरी लाइन को इस तरह लिखने के बजाय अगर मैं ऐसे लिख के दिखा दूं, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, यानी राइट को लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट को राइट कर दिया। अब जरा चेक करें ये क्या चीज आई है, शाबाश। एम वन यू वन इज द मोमेंटम ऑफ ए प्लस एम टू यू टू इज द मोमेंटम ऑफ बी, और ये कौन सा मोमेंटम है, ये है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का मोमेंटम।
एम वन वी वन क्या है, ये है मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। एम टू वी टू क्या है, ये है मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। ये कब का है, ये है टकराने के बाद का। ये है टकराने के बाद का, आफ्टर कोलिजन। क्या यही हमारा लॉ था, यस नो जवाब देना, लेक्चर को एंड कर देना जल्दी से शाबाश। टकराने से पहले दोनों बॉडीज के मोमेंटम का टोटल, टकराने से पहले दोनों बॉडीज के मोमेंटम का टोटल बराबर है टकराने के बाद के दोनों बॉडीज के मोमेंटम के साथ। सब बच्चों के पास समझ में आई, आप ये सारा काम मैं भी आपको सेंड करूंगा, जब सब कॉपी करेंगे ना, जब कॉपी कर रहे होंगे तब भी आपको इंशाल्लाह देखिए, जब बाजार कोई चीज अटक रही होगी कॉपी करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, टेंशन ना लें। तो ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे, उससे भी देखिएगा आप इंशाल्लाह कहीं अटकेंगे नहीं। ठीक है सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, मुझे इजाजत है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और कल टाइप्स ऑफ कोलिजन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डेरिवेशन उनकी भी है वो भी कल इंशाल्लाह करेंगे, और फिर वायरस की तरफ रुख करेंगे इंशाल्लाह। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़ सब बच्चों को मेरी तरफ से।